हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? जल्दी जल्दी जुड़िए तो हम रेसिपी चालू करेंगे। मैं रीटा पटेल अहमदाबाद से। आपको एक नई रेसिपी सिखाने जा रही हूँ और हेल्दी भी है। रागी क्रिस्प विथ मैंगो सालसा। अमूल पेज पर आप सबका स्वागत है। थैंक यू अमूल जिन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया हुआ है। फ्रेंड्स, जल्दी जल्दी जुड़िए तो हम रेसिपी स्टार्ट करेंगे। आप सब हमें सुन पा रहे हैं तो एक थम दीजिए तो हम आगे रेसिपी स्टार्ट करें। भारती अडवाणी जी हाय कीजिए। हाय भारती जी। सबसे पहले हम इंग्रेडिएंट्स बता देते हैं। मैंगो सालसा के लिए है पक्का आम, टमाटर बारीक कटा हुआ, हरी मिर्च, चिली फ्लेक्स, ओरिगेनो, काला नमक, चिली सॉस, कच्चा थोड़ा सा आम, प्याज के बारीक कटे हुए टुकड़े, धनिया और नींबू। रागी क्रिस्प के लिए चाहिए होगा अपने को रागी का आटा, चावल और बेसन, पीनट और डालिया का पाउडर, तिल होंगे सफ़ेद तिल, नमक, मकई का आटा, गेहूं का आटा, अमूल का घी, जीरा, काली मिर्च और रेड चिल्ली पाउडर। इतने इंग्रेडिएंट्स हमें लगेंगे तो हम पहले इसका आटा लगा लेंगे। एक कप रागी का आटा है। आधा कप गेहूं का आटा, एक चम्मच मकई का आटा, चावल और बेसन 2 चम्मच मिक्स करके, ये पीनट और दाढ़िया दोनों को हमने कोल्सली ग्राइंड किया हुआ है वो 2 चम्मच, सफेद तिल, आप इसमें काला तिल भी यूज कर सकते हैं, नमक स्वाद के अनुसार, रेड चिली पाउडर वो भी आपको कितना तीखा खाना है उस हिसाब से, काली मिर्च का पाउडर, जीरा पाउडर और अमूल का घी है 2 चम्मच, ये सब हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। पानी से थोड़ा पराठा और रोटी के बीच का हमें उतना कंसिस्टेंसी आए वैसा आटा लगाना है।
देवी प्रसाद महापात्रा जी पेज हाय सर। हाय देवी जी। हाय ये रेसिपी हमें रागी क्रिस्प जो तलना नहीं है उसको हम ओवन में बेक करेंगे जो आप बहुत हेल्दी होगी और गर्मी में हमें बहुत ज़्यादा कुछ खाने की इच्छा नहीं होती है तो हम ये बना के खा सकते हैं। हल्का भी रहता है और पेट भी भर जाता है, बच्चों को भी काफ़ी हेल्दी रहता है, न्यूट्रिशन है। ये आटा लग के तैयार हो गया। इस तरह का आटा हमें चाहिए होगा। इसको 10-15 मिनट रेस्ट देने के बाद इसको बेल के हम छोटी छोटी पूरियां बनाएंगे। मैंने इसका क्रिस्प ओवन में बेक करके रखा हुआ है क्योंकि अभी इसको टाइम लगेगा तो मैंने रेडी करके रखा है और ये आटा अपने लग गया। इसको हम अभी साइड पे रख देंगे। जैसिंथा कैसे कि आप क्या बना रहे हो? रागी क्रिस्प विथ पेंगो साल्सा बन रहा है। रागी क्रिस्प हम ओवन में बेक करके बनाने वाले, इसलिए हमने आटा लगा के रख दिया है और क्रिस्प हमने बेक करके पहले से रेडी रखा है। अब हम बनाएंगे मैंगो साल्सा। पक्का आम कोई भी आप खट्टा मीठा वाला ले सकते हैं। मैंने एक आम ले लिया, आपके जरूरत के हिसाब से आप ले सकते हैं। फिर ओनियन है बारीक चॉप की हुई, वो 2 चम्मच लेंगे। एक चम्मच थोड़ा सा कच्चा आम लेंगे। एक चम्मच बारीक चॉप टमाटर लेंगे जिसका सीड हमें निकाल दिया है। हरी मिर्च लेंगे बारीक बारीक कटी हुई, वो भी अपने टेस्ट के अनुसार। चिली फ्लेक्स लेंगे 1/2 चम्मच और एक ऑरेगानो लेंगे 1/2 चम्मच। काला नमक लेंगे स्वाद के अनुसार। क्वांटिटी के अनुसार कितनी वस्तु इंग्रेडिएंट्स में क्वांटिटी कितनी है? कुछ काला नमक हम 1 चम्मच डालेंगे। रागी क्रिस्प की कितनी क्वांटिटी बनाई है? 1 कप रागी का आटा था। 1 कप रागी के आटे में हमने 2 चम्मच मकई का आटा डालना है, 1/2 कप गेहूं का आटा डालना है और चावल का आटा और बेसन 2 चम्मच मिक्स करके डालना है और 2 चम्मच उसमें दाढ़िया और पीनट का पाउडर डालना है और 1/2 चम्मच तेल डाल के उसका बनाना है। चिली सॉस चाहिए इसमें, मैंगो साल्सा में 1 चम्मच डालेंगे। और धनिया पत्ती, और 1/2 चम्मच नींबू का रस, ये सब मिक्स कर लेंगे। हाफ टीस्पून नमक, थोड़ा सा 1/4 टीस्पून रेड चिली पाउडर, अपना मैंगो साल्सा रेडी।
मैदा लेते हैं 1 कप रागी फ्लोर, मेज फ्लोर, बेसन, मैदा। मैदा नहीं डालना, गेहूं का आटा। मैदा आपको डालना है तो आप डाल सकते हैं, बट मैंने नहीं डाला क्योंकि हमने हेल्दी रेसिपी बनाई है। ये सर्विंग प्लेट, इसमें हम सालसा सर्व करेंगे। ऊपर से धनिया की पत्ती इसमें गार्निश के लिए। ये रागी क्रिस्प हमने ओवन में बना के रेडी रखे हैं, इसको हम सर्विंग प्लेट में ले लेते हैं। तो आप तलना चाहें तो तल भी सकते हैं। कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। ये देखिए रेडी है रागी क्रिस्प विद मैंगो साल्सा। कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। फिर से मैं रेसिपी रिपीट कर देती हूँ। मैंगो सालसा में हमने पक्का आम लिया था, एक पूरा, एक चम्मच उसमें कच्चा आम, एक चम्मच टमाटर बारीक पीस कटा हुआ, ऑरेगानो चिली पीस आधा आधा चम्मच, ऑनियन लिया था एक छोटा सा, उसमें काला नमक, चिली सॉस और नींबू और धनिया, ये डाल के हमने मैंगो सालसा बनाया है। फिर रागी क्रिस्प के लिए 1 कप रागी का आटा, आधा कप गेहूं का आटा, 2 चम्मच मकई का आटा और बेसन और चावल का आटा मिक्स करके 2 चम्मच। इसमें हमने लिया पीनट और दाढ़िया का पाउडर, तल तिल लिया 1 चम्मच, नमक, रेड चिली पाउडर, काली मिर्च, जीरा और घी, वो सब डाल के आटा लगा के फिर हम उसकी क्रिस्प बनाएंगे। उसको पतला पतला बेल के आपको जिस शेप में कट करना है कुकी कटर से कर सकते हैं, अथवा तो छोटी छोटी पूरियां भी बना के, जैसे हम मैदे की पूरी, गेहूं की पूरी बनाते हैं, उस तरह से पतली पतली बना के आप बेक भी कर सकते हैं और डीप फ्राई करना चाहे तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं। डिग्री पर 180 पर 15 मिनट बेक करने का होता है। आपको रेसिपी कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर सर। अब यदि कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम अपना ये रेसिपी फिनिश करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। सालसा में पूछे थे एक मैंगो लीधो छे ने? हाँ, एक मैंगो लिया था। ने टमेटो, ऑनियन, ब्लैक सॉल्ट, पेपर, चिली। हाँ हाँ, फिर रेसिपी की थी। पका आम, कच्चा आम थोड़ा सा 2 चम्मच, ऑनियन लिया है और टमेटो, रेड चिली फ्लेक्स, ऑरेगानो, हरी मिर्च, काला नमक और धनिया और नींबू। सीमा जी बोल रही है हेल्दी। यस, थैंक यू। अने बेक करने में 180 डिग्री पे 15 मिनट बेक कर सकते हैं। थैंक्स किचन। थैंक्स, नमस्कार।
ऐसे ही फिनिश करी। करी फिनिश।